हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, इंग्लिश सीखना एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए है। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर ये बोल रही है, तुमने खुद मुझे इस बारे में बताया था। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे यू योर सेल्फ टोल्ड मी अबाउट इट। यू योर सेल्फ टोल्ड मी अबाउट इट, तुमने खुद मुझे इस बारे में बताया था। यू योर सेल्फ टोल्ड मी अबाउट इट, ये कह रहा है मुझे नहीं लगता ये बहस करने का समय है। आई डोंट थिंक दिस इज अ टाइम फॉर आर्ग्यूमेंट्स। आई डोंट थिंक दिस इज अ टाइम फॉर आर्ग्यूमेंट्स, मुझे नहीं लगता ये बहस करने का समय है। आई डोंट थिंक दिस इज अ टाइम फॉर आर्ग्यूमेंट्स। अगर तुम्हारा वादा गलत निकला, तो इसने कोई वादा करा, इससे कह रहा है कि अगर तुम्हारा वादा गलत निकला, इफ़ योर प्रोमिस टर्न्स आउट टू बी फॉल्स, इफ़ योर प्रोमिस टर्न्स आउट टू बी फॉल्स, अगर तुम्हारा वादा गलत निकला, यानी टर्न्स आउट हुआ कि गलत है। इफ़ योर प्रोमिस टर्न्स आउट टू बी फॉल्स, अगर तुम्हारा वादा गलत निकला, आई विल बेरी यू राइट हेयर। तो बेरी कहते हैं दफनाने को, कह रहा है आई विल बेरी यू राइट हेयर, मैं तुम्हें यहीं दफना दूंगा। आई विल बेरी यू राइट हेयर, मैं तुम्हें यहीं दफना दूंगा। इफ़ योर प्रोमिस टर्न्स आउट टू बी फॉल्स, अगर तुम्हारा वादा गलत निकला, आई विल बेरी यू राइट हियर, मैं तुम्हें यहीं दफना दूंगा। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, इसके जवाब में बोल रहा है यू हैव क्रॉस्ड योर लिमिट दिस टाइम, तुमने इस बार अपनी हद पार कर दी। यू हैव क्रॉस्ड योर लिमिट दिस टाइम, तुमने इस बार हद पार कर दी। यू हैव क्रॉस्ड योर लिमिट दिस टाइम, यहां पे कह रही है तुम लोग कर क्या रहे हो। व्हाट आर यू गाइज डूइंग, व्हाट आर यू गाइज डूइंग, तुम कर क्या रहे हो। व्हाट आर यू गाइज डूइंग, स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड डू योर वर्क, ये बकवास बंद करो और अपना काम करो। स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड डू योर वर्क, ये बकवास बंद करो और अपना काम करो। स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड डू योर वर्क। आई वुड लाइक टू नो होम ही इज़ वर्किंग फॉर, तो कह रहा है कि मैं जानना चाहूँगा ये किसके लिए काम कर रहा है। आई वुड लाइक टू नो होम ही इज़ वर्किंग फॉर, आई वुड लाइक टू नो होम ही इज़ वर्किंग फॉर। तो फ्रेंड, हमने होम का यूज़ किया है, कह रहा है मैं जानना चाहूँगा ये किसके लिए काम कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे आई वुड लाइक टू नो होम ही इज़ वर्किंग फॉर। आई थिंक यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस, तो इसकी जवाब में कह रहा है कि मुझे लगता है तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। तो जब भी हम किसी से कहना चाहते हैं, कोई हमारी किसी बात में बिना वजह टांग अड़ाता है, बिना वजह परेशानी खड़ी करता है, तो हम कहते हैं ना कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। कह रहा है मुझे लगता है तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। आई थिंक यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस, आई थिंक यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस, मुझे लगता है तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न, दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न, ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। सो फ्रेंड, इस तरह के सेंटेंस हम तब यूज़ करेंगे जब कोई बिना किसी बात के, बिना किसी वजह पर परेशान हो रहा है। तो यहाँ पे ये बिना किसी वजह का परेशान हो रहा है, कोई मामला उस बंदे के रिलेटेड है, खुद परेशान हो रहा है, तो इसलिए बोल रहा है दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न, ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, तुम चिंता मत करो, कहना चाह रहा है दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न, ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड योर एडवाइस, आई डोंट नीड योर एडवाइस, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड योर एडवाइस, इट वुड बी बेटर इफ़ यू कैप्ट योर माउथ शट, ये कह रहा है अच्छा होगा अगर तुम अपना मुंह बंद रखो। सो फ्रेंड, इस स्ट्रक्चर में एक चीज़ का ध्यान रखना, इट वुड बी बेटर इफ़ यू, इसके बाद हम पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जैसे यहाँ हुई है इट वुड बी बेटर इफ़ यू कैप्ट योर माउथ शट, अच्छा होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। इट वुड बी बेटर इफ़ यू कैप्ट योर माउथ शट, अच्छा होगा तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम दोनों चाहते क्या हो, जब ये लड़ने लगे तो लड़की कह रही है व्हाट डू यू टू वांट, व्हाट डू यू टू वांट, तुम दोनों चाहते क्या हो। व्हाट डू यू टू वांट, तुम दोनों चाहते क्या हो, व्हाट डू यू टू वांट। आगे बोल रही है प्लीज़ लड़ना बंद करो, प्लीज़ स्टॉप फाइटिंग, प्लीज़ स्टॉप फाइटिंग, प्लीज़ लड़ना बंद करो, प्लीज़ स्टॉप फाइटिंग, प्लीज़ लड़ना बंद करो। तो यहाँ पे पिट के हंस के बोल रहा है दैट्स व्हाट आई वांटेड, यही तो मैं चाहता था। दैट्स व्हाट आई वांटेड, यही तो मैं चाहता था, ये बोल रहा है दैट्स व्हाट आई वांटेड, यही तो मैं चाहता था। उससे दूर रहना वरना मैं तुम्हारा चेहरा तोड़ दूंगा, सो यानी स्मैश कर दूंगा, स्मैश करना मतलब तोड़ फोड़ना। तो कह रहा है स्टे अवे फ्रॉम हर और एल्स यूज़ करते हैं वरना के लिए, इससे पहले मैंने बहुत यूज़ किया है अपने वीडियोज़ में, आप पहले की वीडियोज़ भी देख लेना। ये कह रहा है स्टे अवे फ्रॉम हर, उससे दूर रहना, यानी लड़की से दूर रहने को कह रहा है स्टे अवे फ्रॉम हर और एल्स आई विल स्मैश योर फेस, उससे दूर रहना वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। स्टे अवे फ्रॉम हर और एल्स आई विल स्मैश योर फेस। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रहा है शी इज़ माइंड एंड आई एम हर्स, तो जब भी आप कहना चाहते हो कि वो मेरी है और मैं उसका हूँ, तो इस सिचुएशन में आप इंग्लिश में बोलेंगे शी इज़ माइंड, यानी वो मेरी है, शी इज़ माइंड एंड आई एम हर्स, मैं उसका हूँ। शी इज़ माइंड एंड आई एम
हर्ज। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रही है डिड यू नोटिस दैट टू, क्या तुमने भी वो नोटिस किया। सो फ्रेंड इस सिचुएशन में क्या हुआ कि अभी यहाँ दिन निकल रहा हुआ था, ये लड़ रहे थे, एकदम सब कुछ एकदम गायब हो जाता है, यानी कुछ इस तरह की फिल्म है, तो एकदम पागल से हो गई। कह रहे हैं कि डिड यू नोटिस दैट टू, उससे पूछ रही है कि तुमने भी ये नोटिस किया। डिड यू नोटिस दैट टू, क्या तुमने भी ये नोटिस किया। यस आई डिड, ये कह रहा है हाँ मैंने भी किया। यस आई डिड, हाँ मैंने भी किया। हाउ इज इट पॉसिबल दैट नोबडी नोज अबाउट दिस, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई इस बारे में नहीं जानता। हाउ इज इट पॉसिबल दैट नोबडी नोज अबाउट दिस, क्या ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई इस बारे में नहीं जानता। हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल दैट नोबडी नोज अबाउट दिस, वो कौन आ रहा है। हु इज दैट कमिंग, हु इज दैट कमिंग, वो कौन आ रहा है। तो दूर से, काफ़ी दूर से कोई आ रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं हु इज दैट कमिंग, वो कौन आ रहा है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रही है अगर मैं नहीं आती तो तुम क्या करते। इफ़ आई डिडेंट कम कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ आई डिडेंट कम व्हाट वुड यू डू, अगर मैं नहीं आती तो तुम क्या करते। इफ़ आई डिडेंट कम व्हाट वुड यू डू, अगर मैं नहीं आती तो तुम क्या करते। इफ़ आई डिडेंट डू व्हाट वुड यू कम, तो इस पर कह रहा है मे बी, शायद, इट वुड बी बेटर इफ़ यू डिडेंट कम, अच्छा ही होता अगर तुम ना आती। ये कह रहा है इट वुड बी बेटर इफ़ यू डिडेंट कम, अच्छा ही होता अगर तुम ना आती, शायद अच्छा ही होता अगर तुम ना आती। मे बी इट वुड बी बेटर इफ़ यू डिडेंट कम, ये कह रही है तुम जानते हो तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। यू नो यू आर नथिंग विदाउट मी, यू नो यू आर नथिंग विदाउट मी, तुम जानते हो तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। यू नो यू आर नथिंग विदाउट मी, इज़ दैट व्हाट यू थिंक, क्या तुम्हें ऐसा लगता है। ये पूछ रहा है, कह रहा है क्या तुम्हें ऐसा लगता है, क्या तुम ऐसा सोचती हो। इज़ दैट व्हाट यू थिंक, इज़ दैट व्हाट यू थिंक। यू नो इट्स ट्रू, तुम जानते हो यही सच है। यू नो इट्स ट्रू, तुम जानते हो यही सच है। यू नो इट्स ट्रू, हाउ डू यू नो इट्स ट्रू, तुम्हें कैसे पता ये सच है। हाउ डू यू नो इट्स ट्रू, तुम्हें कैसे पता ये सच है। ये कह रही है ना यू नो इट्स ट्रू, तुम जानते हो यही सच है, तो इस पर बोल रहा है हाउ डू यू नो इट्स ट्रू, तुम्हें कैसे पता ये सच है। हाउ डू यू नो इट्स ट्रू, यू योर सेल्फ टोल्ड मी अबाउट इट, तुमने मुझे खुद इस बारे में बताया था। यू योर सेल्फ टोल्ड मी अबाउट इट, तुमने खुद मुझे इस बारे में बताया था। ये कह रहा है नो आई नेवर सेड एनीथिंग लाइक दैट, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। ये कह रहा है मैंने वैसा कभी नहीं कहा। नो आई नेवर सेड एनीथिंग लाइक दैट, नो आई नेवर सेड एनीथिंग लाइक दैट, आई कैन प्रूव दैट यू योर सेल्फ टोल्ड मी दैट। ये कह रही है मैं साबित कर सकती हूँ कि तुमने मुझसे खुद बताया था। आई कैन प्रूव दैट यू योर सेल्फ टोल्ड मी दैट, तो जब भी आप कहना चाहते हो कि मैं साबित कर सकता हूँ, तो आप तरीके से बोल सकते हो। जैसे ये कह रही है कि मैं इस बात को साबित कर सकती हूं कि तुमने खुद बताया था। आई कैन प्रूव दैट दैट यू योर सेल्फ टोल्ड मी दैट, आई कैन प्रूव दैट यू योर सेल्फ टोल्ड मी दैट, मैं साबित कर सकती हूं कि तुमने खुद बताया था। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहां पे कह रहा है नो यू डोंट नीड टू डू दैट, नहीं तुम्हें वैसा करने की जरूरत नहीं है। नो यू डोंट नीड टू डू दैट, नहीं तुम्हें वैसा करने की जरूरत नहीं है। नो यू डोंट नीड टू डू दैट, यहां पे पूछ रही है वेयर वर यू ऑल डे, तुम पूरे दिन कहां थे। वेयर वर यू ऑल डे, तुम पूरे दिन कहाँ थे। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी हो, अगर आप इस तरह की वीडियो फ्यूचर में और भी देखना चाहते हो, पहले तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप इस तरह की वीडियो और भी देखना चाहते हो, क्योंकि मैं डेली डालता हूँ वीडियो, और डेली डालने का सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि आप रोज़ प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो करते हैं प्रैक्टिस। तुम कितनी प्रैक्टिस करते हो यही मैटर करता है। अगर तुम रोज़ प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो इंग्लिश बोल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो फ्रेंड इसीलिए रोज़ वीडियो अपलोड होती है चैनल पे। अगर आप भी रोज़ ऐसी वीडियो देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।